और क्या क्या हो गया? बहुत सख्त मुझे गुस्सा आ रहा है, थूक दो गुस्सा, चलो। अच्छा क्या करूँ? क्या करें ये हम डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा वेलकम टू लेडीज क्लब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, भूल गई मैं कहना, गुस्से में थी ना मैं। चलें अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं गुस्से में हूँ, बोले आज वो सादिया गुस्से में इसलिए वो होस्ट नहीं कर रही है। और हमारे साथ आज हमारी गेस्ट हैं आयशा, और ये थोड़ा अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। आयशा को गुस्सा नहीं आता। हाँ ये अभी हमें पता चल जाएगा। चले आइए इनसे बात करते हैं। जी आयशा जी, आप गुस्सा करते हो या पी जाते हो या निकाल देते हो और क्या होता है? साथ ही आई थिंक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता हो। अब वो गुस्से को किस तरह निकालता है या वो किस तरह बिहेव करता है, वो आई थिंक इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर जहाँ तक मेरी बात है, मुझे गुस्सा आता है जैसे हर नॉर्मल हर इंसान वही ना आते जिस सवाल के, मुझे गुस्सा आता है। लेकिन शुरू में जब आई थिंक आई वॉज यंग, तो मैं उसको पी लेती थी, एज ए मैं चुप रहती थी, मुझे किसी पे बहुत शदीद गुस्सा आता था, आई वुड जस्ट आइसोलेट माई सेल्फ, नॉट टॉक टू एनी वन अराउंड मी। तो उसका लेकिन वो उसमें मुझे फील होता था कि वो मैं बिल्डअप होते 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 वो फिर मैं एक दिन फटती थी, और फिर वो जो बिहेवियर होता था ना वो मेरा गलत होता था। अब मैंने शायद अपनी विद एक्सपीरियंस मैंने सीखा है कि आई टेक इट आउट ऑन द पर्सन जिसमें मुझे गुस्सा है, लेकिन मैं कोई बदतमीजी या कोई गलत बात नहीं करती। सही बात है, बहुत कंट्रोल करके अपने आप को, बट मैं अपना मैसेज कन्वे कर देती हूँ कि आपने या आपने कुछ बोला या आपने कुछ किया वो मुझे गलत लगा, तो इस तरह से मैं अपना गुस्सा निकाल लेती हूँ। अच्छा सादिया, अब तो आपका गुस्सा ठंडा हो गया। हाँ, बिल्कुल। व्यूअर्स को बता दें हमारा आज का टॉपिक ही इस बारे में, वो सोच रही हूँ आज हम गुस्से पे क्यों बात कर रहे हैं। नहीं व्यूअर्स, आज हम ये बैठ के डिस्कस करना चाह रहे हैं कि गुस्सा क्यों आता है, हमारे में पेशेंस लेवल क्यों खत्म होता जा रहा है, और हम क्यों छोटी बातों पर गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये नहीं कि हम किसी को जानते भी नहीं है तो हम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद एक हाँ ये इंसिडेंट शेयर करेंगी, बहुत अच्छा सा उन्होंने आज सुनाया था सुबह में, और एक ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे कि उसको हम कैसे अवॉइड करें अपने एंगर को, और कि वो हम उस सिचुएशन में ही ना आए कि वो हम फेस करें उन सब चीज़ों को ना, उसको अपनी हैबिट ना बना लें कि बस हर वक्त गुस्से में ही रह रहे हैं और गुस्से के थ्रू अपने मतलब सारे काम निकल। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप गुस्से को एक्सप्रेस कर दो, मतलब ये नहीं कि बहुत शाउट करके या क्या, वैसे ही आपको जो बात बुरी लग रही है और आप उसको कह दो तो आपका गुस्सा कम हो जाता है। सही बात है। मेरे ख्याल में जो लोग दबा के रखते हैं वो ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि मेरी हैबिट है कि मुझे कोई बात बुरी लगे मैं उसको बोल देती हूँ, मुझे ये समझ नहीं आई। और मेरी बिल्कुल ऑपोजिट है आपकी वाली है कि फील करते रहते तो ऐसे लोग बुड्ढे वैसे जल्दी हो जाते हैं शायद। हाँ इसीलिए। लेकिन अगर आप देखें कि जो लोग गुस्सा दबाते हैं ना उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाती है, वो फिर किसी गलत इंसान या किसी गलत चीज पर निकलते हैं जिसके बाद में आपको गलत क्या वो सेल्फ डैमेज भी हो सकती है। मतलब आप या तो अपना अगर यू आर अ मदर तो आप बच्चों पे गुस्सा निकालेंगे, यू नो आप फिजिकली भी उनको अब्यूज कर सकते हैं, मार सकते हैं, और अपने आप को भी यू नो लोग पिल्स ले लेते हैं गुस्से में आके और सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, बहुत गलत चीजें होती हैं। और इसमें एक पॉइंट ये है कि जब गुस्से के बाद रिग्रेट बहुत लोगों को होता है कि जो भी उन्होंने काम गुस्से में किए होते हैं ना उस पर वो पछताते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुस्से में किसी ने डाइवोर्स दे दी, गुस्से में आपने मर्डर कर दिया, यू नो आप बाद में पछता रहे हैं कि ये मैंने क्या किया, आपकी आपस की रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं गुस्से की वजह से। में मर्डर हो जाते हैं जी जी, क्यों नहीं होता, सबसे ज्यादा आपके आगे से ज्यादा तेजाब फेंक दिया, मर्डर जेलसी में आयशा दरअसल नहीं नहीं गुस्से में भी होता है, रिवेंज में भी होता है, आपकी रिवेंज की फीलिंग होती है कि यार इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया और मैं अब इसको छोड़ूंगी नहीं। इट्स बदला और इट्स गुस्सा के जो मिला जुला होता है और आप फिर छोड़ते नहीं है कि मतलब गुस्से में आके करते हैं बाद में पछताते हैं आप। जैसे मुझे तुमसे बहुत गुस्सा आ रहा है अब क्यों आ रहा है, शायद पता है कि गुस्सा क्यों आ रहा है आज जो सुबह से आ रहा है, इसका मतलब आपको मेरे अंदर कोई मेरी रगे फूली मैं बता नहीं सकती, आंखें लाल हो रही है क्या मतलब क्या। लेकिन ये है अभी जैसा मैं बताऊँ आयशा, अभी कल परसों की बात है, मैं एक सिग्नल पे खड़ी थी और आगे रेड लाइट थी, मेरे आगे एक गाड़ी थी और एक पीछे एक साहब खड़े हुए थे। अब वो कांस्टेंट वो रेड लाइट पे आप नेचुरली आप खड़े हो तो वो हॉर्न्स पे जा रहे, मतलब आगे रेड है सिग्नल, वो जाएगी गाड़ी मेरी तब जाएगी फिर उनकी जाएगी, आई थिंक इज एन इमरजेंसी और जो भी सीन था। तो मैं बड़ी देर तक सुनती रही, फिर मुझे गुस्सा आना शुरू हुआ, तो मैंने उसको इशारा किया, मतलब इट्स बैड में इशारा किया कि ऊपर से जाओ कि मैं तो नहीं हट सकती, आगे रेड लाइट है ऊपर से जाओ। तो वो जब मेरे जो साइड पे जो गाड़ी थी थोड़ी आगे ही वो आया, उसने मुझे यूं करके देखा और लिटरली उसने ना कुछ अजीब बुड़बुड़ की, तो मैं आई थॉट कि मैंने मतलब
तुम कर रहे हो कि आगे सिग्नल रेड है और मुझ पे हॉर्न्स पे हॉर्न्स कि मैं आगे क्यों नहीं जा रही हूँ, मतलब ये कोई बेतुकी सी बात थी। मुझे उससे बहुत गुस्सा आया कि अभी क्या बुड़बुड़ करके गया। देखो गुस्सा तो लास्ट में आता है, बिकॉज़ कभी कभार कुछ लोग ऐसी हरकत करते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं जिससे मतलब आपको जानती भी नहीं होती, जो आपके पेशेंस लेवल को भी उसको अवॉइड कर सकते हैं, मतलब आप कैसे कंट्रोल करते हैं। इन सर्टेन सिचुएशंस आई थिंक इट्स बेटर टू लेट इट गो डिपेंडिंग ऑन योर रिलेशनशिप विद द पर्सन, लाइक इफ इट्स ऑन माय पेरेंट्स या मेरे हस्बैंड या यू नो समवन वेरी क्लोज टू मी, तो आप वो देखो कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। समटाइम्स यू हैव टू लेट इट गो, समटाइम्स इट्स बेटर नॉट टू आर्ग्यू बैक। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप पीक गुस्से में होते ना, इट्स ऑलवेज बेटर टू जस्ट शट योर सेल्फ आउट, बिकॉज उस पॉइंट या उस फ्रेम ऑफ माइंड में आप कुछ ऐसी बातें कर जाते हो जो आपको बाद में जो आप कहते हो ना कि फिर पछताता है इंसान, जो रिलेशनशिप को तोड़ता भी है, उसमें एक यू नो लाइन भी लकीर भी आ जाती है। तो ये भी गुस्सा कम करने के लिए जाके आप पानी ठंडा ठंडा स्प्लैश करो या नहा लो, जाके वुजू कर ले, मुंह धो ले, और वो कहते हैं ना अगर आप खड़े हुए हैं तो आप बैठ जाए, अगर बैठे हुए गुस्सा आ रहा है तो आप मतलब फिर भी नहीं होता। आई ऑनेस्टली फील द बेस्ट वे ऑफ डीलिंग विद एंगर इज थोड़ा सा ना जिस बंदे पे गुस्सा आया है ना उसके सामने से थोड़ी देर हट जाओ, जस्ट जोन योरसेल्फ आउट इनटू समथिंग एल्स, डिस्ट्रैक्ट करें, किसी और एक्टिविटी में चले जाएं, आप कुछ और डिफरेंट काम करना शुरू करें, थोड़ी देर के बाद आप जब दोबारा देखोगे फिर गुस्सा आएगा। जैसे मैं वीकेंड्स पे अक्सर लाइक मंडे टू फ्राइडे तो मैं ऑफिस में होती हूँ, बट वीकेंड्स पे जब मैं होती हूँ ना, और अक्सर अगर मेड देर से आ जाए तो जो उठते ही आपको अम्मी का एक बुरा मूड नजर आता है ना, वो मुझे उससे बहुत एजिटेशन होती है। अब मुझे वो लिटरली इरिटेट करता है कि मैं दो दिन घर पे हूँ, लिटरली मुझे वो जब मेड आती है ना तो फिर अम्मी के बजाय मैं उसको सुना रही होती हूँ कि तुम्हारी वजह से मतलब मेरी अम्मी का मूड खराब हुआ है, वो पूरा गुस्से में है। तो यू नो वो फिर जैसे आपने कहा था कि मदर्स का किसी ना एक बच्चे पे निकल जाएगा, हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाई हुई तो इवेंचुअली बच्चे विल हैव टू सफर, ठीक है। लेकिन जैसे अब आप सिचुएशन बोलिए जो बाहर होते हैं ना, अक्सर आप गाड़ी में बैठे होते हैं और आपके बराबर में लड़के होते हैं और आपको अंदर गाड़ी के अंदर देखते हैं, पूरा ऑब्जर्व करते हैं कि आपने क्या पहना है, तो अब आप उस पर कुछ नहीं, यू कांट हेल्प, यू नो रियली कांट डू एनीथिंग, सो इट्स द बेटर वे इज जस्ट इग्नोर लेट देम गो। गुस्से में हॉर्न दे रहा था तो इग्नोर कर देती ना, लिफ्ट ही नहीं कराती कि करने दो, लेट देम। मैंने बहुत देर तक बर्दाश्त किया, पर उसके बाद मैंने उसको उसका हल बताया कि तुम फ्लाई करके चले जाओ, मैं तो नहीं जा सकती ना, तो उस पे उसको गुस्सा आ गया। आपका एक पीक पॉइंट आता है ना जिसके बियॉन्ड आप फिर नहीं ले सकते हो, मतलब वो कुछ चीजें होती रहती हैं होती रहती हैं, तो फिर एक पॉइंट आता है कि यार नहीं अब मुझे ना आई एम डन विद दिस, तो उस वक्त इंसान फटता है। सही बात है, ये होता है। और नॉर्मली मेरे ख्याल में एक्सप्रेस कर देना चाहिए जो मेरा है, ओकेजनली आप थोड़ा थोड़ी फीलिंग्स अपनी निकालते रहें और एकदम से आप वो यू नो अल्हम्दुलिल्लाह गुस्सा आया है, लेकिन एक दफा शायद मुझे रोना आया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो गया था, तो मतलब वो मेरा पॉइंट आ गया था कि बस आई कुडंट, मतलब मैं ब्रेक हो गई थी उस वक्त, मैं यू नो आपको पॉइंट आता है वी जस्ट ब्रेक डाउन, वो ऑफिस से क्या जिसमें गुस्सा ना आए। लेकिन गुस्सा आता है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, बट नहीं निकाला नहीं है अभी तक, मतलब इस तरह पॉइंट तक नहीं आया कि मैंने किसी से बदतमीजी की हो, मतलब मैं आई कन्वे माय मैसेज वेरी नाइसली। ऑफिसर घर में ही होता है, घर में आप कुछ भी कर लो पता है निकालना नहीं है। लेकिन इसमें ये कि वी शुड थिंक, आराम से सुकून से बैठ के सोचें कि हमें क्या चीज मतलब बॉदर करती है, इरिटेट करती है, हर इंसान को कुछ ना कुछ इरिटेट करता है, तो वो चीज नोट करें अपने अंदर कि हमें किस चीज से गुस्सा आता है, और फिर उस चीज को आइंदा के लिए आप अवॉइड करने की कोशिश करें। और जो दूसरों के साथ जैसे आपने कहा जो गैर लोग हैं जो आपकी लाइफ में आप इस तरह से आ जाते हैं आपको वो कर देते हैं, तो उनको तो आई थिंक इग्नोर ही करते हैं। लेकिन यार मेरे ख्याल में इसमें सिर्फ एक चीज, ऑफिस एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू डील विद अदर्स इन सच सिचुएशंस, बिकॉज वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपकी पर्सनैलिटी, हाउ आर यू एज अ पर्सन, और आप किस बैकग्राउंड से आए हैं एंड हाउ यू वर ब्रॉट अप। इसीलिए कहते हैं ना कि इन सच सिचुएशंस आप यू आर एक्चुअली बीइंग जज्ड, दूसरा बंदा आपको देख रहा होता है आपकी, मतलब आप डिफरेंट क्या, आप किस बैकग्राउंड से आए हो, आपके माँ बाप ने आपको किस तरह ब्रॉट अप किया, आप किस एजुकेशन से आए हो, आपका फ्रेंड्स का सर्कल, दैट्स हाउ यू जज। सो आई थिंक इन सिचुएशंस में जैसे आप इन लॉज में, आप लोग जैसे आप लोग कहते हो ना कि इन लॉज में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसलिए ऑफिस एनवायरमेंट्स में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि फिर आपके रिलेशनशिप सही नहीं होते। नहीं यार अगर इन लॉज की बात करते हो उसमें केयरफुल होने के बाद भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन एक चीज अगर मैं देखूं तो इसमें सब चीजें काउंट करती हैं, पेशेंस। हमारे में पेशेंस अब नहीं है, हम अगले बंदे की बात सुन नहीं सकते, हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। कि भाई वो उससे बोला ऐसे क्यों बोला है, अब उसका पॉजिटिव पॉइंट भी देख सकते
हैं कि यूं नेगेटिव कल्चर ही ऐसा हो गया है हमारा कि हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं बस अपनी बात करने के लिए. आई थिंक इट्स आल्सो बिकॉज जो हमारा माहौल है, जो लोगों की टेंशन है, जो स्ट्रेस है उनकी लाइफ में, अब हर जैसे पहले हमारे अम्मी अब्बू की जो हम बचपन की बातें सुनते हैं, अब हमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया. केयर फ्री लाइफ देयर वाज, उनको फिकर नहीं करना. अब तो आप अभी आपका एजुकेशन खत्म नहीं हुई होती, एंड यू नो यू नीड टू स्टार्ट वरीइंग कि आपको पैसा कमाना है, एंड यू हैव टू सपोर्ट योरसेल्फ बिकॉज महंगाई हो गई है, लोगों के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो गए हैं. तो आई गेस वो मिजाज में ना चिड़चिड़ापन सब के आया हुआ है. So really बस अल्लाह ने जो आपको ब्लेसिंग्स दी हुई हैं आप उन पे खुश हों और बस उनको आप काउंट करें और फिर आप गुस्सा कम से कम आएगा. इट इज़ आप अपना किसी और पे आप कंट्रोल करो ना करो, अपने आप पे तो आप कंट्रोल कर सकते हो बिकॉज यू नो आप अपने आप को ही चला रहे हो ना. सही है, कोई और गुस्सा कर रहा है आपके ऊपर तो आप उसके साथ उसके लेवल पे नहीं जाएं. दैट्स माय मतलब सजेशन के कोई चीख रहा है तो आप चीख के उसके लेवल पे नहीं जाएं, उसको अपने लेवल पे लाएं और उसको सिखाएं उसके साथ अच्छी तरह रह के पोलाइट रह के कि वो आपके लेवल पे आ जाए. सर्टेन सिचुएशंस आई थिंक स्पेशली जो मैंने स्पाउसेस की लड़ाई देखी है ना, बहन भाइयों की लड़ाई देखी, इट्स ऑलवेज बेटर ऑफ कि आप जस्ट कीप क्वाइट. जब आर्ग्यूमेंट हो रही होती है ना, अगर दूसरा बंदा चला रहा है तो आप थोड़ी देर चुप हो जाओ, वरना यू नो वो सिचुएशन फिर वर्स पे वर्स पे वर्स लेकिन वर्स से वर्स होती जाती है. लेकिन एक और चीज भी होती है कि अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो वो कहते हैं आप आगे से जवाब क्यों नहीं दे रहे हो. ये भी होता है, हमें सुन नहीं रहे, मैं अकेला सुन नहीं रहे हूं, मैं अकेला बोल रहा हूं. या अगर हस्बैंड की बात करें या चलो किसी और बड़े की बात करें कि भाइयों की बात करें, अगर आप इग्नोर करके चले जाओ वो भी एक बड़ा बैड फैक्टर आता है कि बात नहीं सुनी और चले गए. ये क्या एटीट्यूड था कि अगर आप वहां से उठ के जा रहे हो कोई ये नहीं कहेगा कि आप इसको पैचअप करने के लिए जा रहे हो या कुछ इस तरह जा रहे हो. तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट सोच है, बट द थिंग इज दिस, गुस्सा बहुत बुरी चीज है जो कि नहीं आना चाहिए और मुझे नैयर पे अब थोड़ा थोड़ा खत्म होता जा रहा है फाइनली फाइनली. ठीक है व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही, और हमें फीडबैक दीजिएगा. एंड थैंक यू आयशा फॉर कमिंग ऑन शो. थैंक यू फॉर डूइंग अ शो. मुझे नैयर को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज़.